अरे वाह, यहाँ छुपा करते थे राजा के सैनिक और यहाँ से लुक लुक की घात लगा के मारते थे। अरे भाई बहुत, ये तो बहुत अद्भुत जगह है यार। पानी भर चुका है इसमें दोस्तों, ये देखिए आप राजा का बंकर, नीचे पानी है। ऐसी सुरंग है जो कि रामगंगा नदी मिलती है नीचे मुहाने। मैं जाके दिखाऊंगा एक बार। ऐसा बोला जाता है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि ये जो सुरंग है रामगंगा नदी में मिलती है। अरे भाई, बियर गिल लो पकड़ो। आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी भरा हुआ है और ये जो है पानी, ऐसा माना जाता है कि रामगंगा से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर कोई यहाँ से जाए तो सीधा रामगंगा नदी में निकलेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ हूँ बंकर में गुंडू उड़ाने यार। तो दोस्तों, ये सच में बहुत खतरनाक बंकर है दगड़ी, और प्रकृति ने बना रखा है। तो किसी जमाने में यहाँ राजा के सैनिक छिपा करते होंगे और अपनी सीमा की रक्षा किया करते होंगे। मजा आ गया। यहाँ तो बॉर्डर वाल सुनील शेट्टी का लूट जाएगी मशीन गन ली भी है ना, क्योंकि बर्मान में छेद हो जाएगा भाई। गोल आ जाओ, चलो बंकर बेलकोट में। ये है दगड़ियों बेलकोट के बंकर। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे बंकर की तरफ। ये है दोस्तों राजा का दूसरा बंकर। बोलते हैं कि सिपाही जैसे आए वो नीचे गड्ढे में ऐसे घुस जाएंगे, वो उधर सेफ रहेगा। जैसे अटैक करने के लिए जाल किस्म का है। ठीक 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 ठीक। यहाँ से जैसे गया, पैर रखा है यहाँ पे, तो पैर के साथ वो मतलब वो नीचे घुस जाएगा, सैनिक वहीं बच जाएगा। सैनिक वहाँ बच जाएगा, बिल्कुल। गजब गजब। पिरूल भी रखा है किसने यहाँ, कोई सोता है क्या? अच्छा, तो दोस्तों इस बंकर में पार्टी भी होती है। ये देखो दगड़ियों, उड़ियार बे ग्वाण ने करना ये चाहो। ओ साहिल बोल ओ जल्लियो। दोस्तों ऐसी ऐसी अद्भुत चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ व्लॉग के माध्यम से। ओ नीचे रामगंगा है ना, मॉर्निंग का एरिया है। वाह, वो जो आपको व्हाइट व्हाइट पट्टी दिख रही है ना, वो रामगंगा है। वो सब मुआनी का एरिया है। ओके, और ये वाला जो ये रोड वाले हिस्सा है रीठा रतौली को जाती है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सफेद सफेद सा है जो खड़िया खान है। ये खड़िया खान है बिल्कुल। अभी हम बिल्कुल टॉप पे हैं दगड़ियों। यहाँ पे इस टॉप पे दगड़ियों राजा की कोर्ट चलती थी, राजा का दरबार लगता था दगड़ियों। अरे शर्मा ने गणेश हाथ मिला थोड़ा सा। अच्छा, ये दोस्तों हमारे गणेश भैया है, शर्माते हैं थोड़ा सा। राजा वहाँ से वॉक करके आता होगा और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो जनता है उनकी बोलती होगी, बेलकोट ग्रामवासियों सावधान, राजा अधिराज महाराज श्री पवन पहाड़ी जी पधार रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आपको ले आए हैं राजा की रसोई में। ये पूरा चूल्हा है मतलब यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इतना बड़ा बर्तन मतलब जितना ये है। ओके, अब समझ गया मैं। ठीक 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 ठीक। तो दोस्तों ये जो दो पहाड़ी, एक ये, तो इसको राजा का चूल्हा बोला जाता है। तो मतलब लगा लो कितना बड़ा बर्तन होता होगा जो इसके बीच में से टिकता होगा, भजा हुआ है, उसमें बनती होगी खिचड़ी हलवा पूरी जो भी है वैसे बनता होगा। यहाँ लगती होगी नीचे आग और यहाँ नीचे यखन भाव है दगड़ियो। ये आप देखिए, ओ भाई साहब बिल्कुल स्टीप है, कोई पैर रखे तो बहुत ही मुश्किल। खत्म है भाई उसका जो यहाँ से नीचे गिरा तो। बहुत से लोग गिरे भी हैं यहाँ। हाँ हाँ, गिरे होंगे कुछ कुछ। हमारी पहाड़ की महिलाएं यहाँ तक घास घास काटते हैं। हमारे जो पहाड़ की महिलाएं होती हैं वो ऐसे यखन भी में घास काटने के लिए आती हैं। बताओ कितना रिस्क है दगड़ियों, अगर पैर फिसल गया या कोई जानवर आ गया अचानक से, है ना, उसकी डर से भी फिसल जाएगा पैर तो। और कितने केस हो जाते हैं पहाड़ों में ऐसे। ये यखन भी को भी किसी जमाने में अपना रखा होगा लोगों ने कि यहाँ इतना मेरा इतना तेरा ऐसे करके ना। हाँ बिल्कुल, यो खीम सिंह मांग हो, प्रेम सिंह मांग, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी लड़ाई हो जाती होगी। पर आज देखो आप दोस्तों, घर के पास की जमीन बांझ पड़ गई है, ये हाल है। पर वो राजा कौन था, अगर किसी को जानकारी होगी तो मुझे बताना। ये भाई लोग बोल रहे हैं कि कोई चंदवंशी राजा था, लेकिन अगर कोई बेलकोट के या आसपास के कोई इतिहासकार होंगे जिनको इतिहास की नॉलेज होगी तो प्लीज एक बार बताइएगा कि इन गुफाओं का, इन बंकरों का, इन हवेली का संबंध किस वंश के किस राजा से है। इसको हमारे वहाँ ठीटा बोला जाता है। ये साइन ठीटा कॉस ठीटा नहीं है, ये शूट का ठीटा है दगड़ियों, पानी गर्म करने के काम आते हैं। तो दोस्तों
ये जो हवेली आप देख रहे हैं ये बेलकोट के सबसे रईस लोगों की हवेली है दगड़ियों। अभी वर्तमान में वो यूएसए में रहते हैं और भाई लोग बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ के कई बंदों को रोजगार भी दिया है। ठीक है, तो इतने सक्षम हैं कि वो रोजगार दे सकते हैं। ये पाथर जो है बरसात से लाए गए थे पैदल। अच्छा, तो पहले के लोग जो थे पैदल लाया करते थे यहाँ से। तो पांडे जी लोगों की हवेली है ये, क्या बात है। इन्होंने जो है मतलब हमारे परिवार की बहुत सहायता की है। इस एरिया में जो आगे जो खेत हैं वो सारे भी इन्हीं के हुआ करते थे। आजकल उन्होंने गांव में जिन लोगों को मतलब उन्होंने सोचा कि जरूरतमंद है तो उनको खेत देकर उनकी मदद। बहुत बढ़िया यार, ऐसी भी सबकी सोच नहीं होती है यार, नहीं तो वो अपना जगह पे थे, वो कहते हैं छोड़ो हटाओ बाहर में जाए, है ना। लेकिन वो चाहते हैं कि गाँव को आगे लेके जाना चाहते हैं, मदद करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कभी हम डिबेट में बोल दिया करते हैं ना कि अपना तो खुद एसी वाले कमरे में बैठे हो या अपना विदेशों में बैठे हो और पहाड़ की बात कर रहे हो, तो ये यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाती है दगड़ियों, यहाँ पे ये चीज़ तर्कहीन हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि पहाड़ में रहने वाला ही पहाड़ की हेल्प करेगा, आप सात समंदर पार से भी पहाड़ की हेल्प कर सकते हैं। और यही मेरा भी सोचना है दगड़ियों। अब देखो पांडे परिवार की जो ये हवेली आप देख रहे हैं तो ये अभी यूएस में है, ठीक है, और इनका अच्छा खासा कारोबार है, इनकी फैक्ट्रियाँ चलती हैं। लेकिन उनका जो इंटेंशन है गांव वालों के प्रति, उनके कल्याण के प्रति, जो यहाँ के लौंडे मौंडे हैं उनको उन्होंने रोजगार भी दे रखा है ना। और अभी ये भाई बता रहा था कि जैसे खेती पाती जो होती है वो खेत भी दिए हैं, तो हमेशा एक गांव का भला कैसे हो वो ये सोचते हैं। तो ये सोच हमारी होनी चाहिए, ये सोच होने के लिए पहाड़ में रहना जरूरी नहीं है, ये आप सात समंदर पार से भी आपकी ये सोच हो सकती है और आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये अखोशार थी दगड़ियों, और देखो ये देखो इतनी इतना बड़ा पटाल है दगड़ियों, यहाँ से लेके ये देखो कितने फीट का होगा, ये देखो यहाँ तक है दगड़ियों, देख रहे हो आप, और एक आदमी इसको लाया होगा। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ राजा भाई के वहाँ। तो दगड़ियों अभी हम राजा भैया की हवेली में हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम आराम करने के लिए रुके हुए हैं दगड़ियों। चाय पानी का इंतजाम यहाँ पे हो रहा है, राजा की मम्मी अभी चाय बना रही है दगड़ियों, और ये साहिल भाई चाय लेके भी आ गया। क्या भाई चाय था कम लोने यार, इतनी खिलाया इसके लिए, लाया राजा के लिए। नहीं मैं नहीं पीता चाय। अरे तुम मेले मेले बनाई क्या तुमने? तो गाइस राजा भाई के वहाँ चाय पानी करने के बाद अब हम जा रहे हैं यहाँ का एक नौला है, कार की नौला, उसकी तरफ। ये आप देख सकते हैं बूटी। इस वाले घर से प्लान हो गया क्या भाई? देखो यार कितने सॉलिड सॉलिड घर है यार, ये देखो दोस्तों कितना अच्छा घर है, वाह। दोस्तों देखिए आप, मतलब यहाँ से आप डायरेक्ट निकल लिए और सीधे आप भागने के लिए जा सकते हैं दगड़ियों, सीधे फ्रंट फ्रंट में। इतनी सुविधा होने के बावजूद भी प्लान हो जा रहा है दगड़ियों, देखियो। और एक ज़माना ये था दोस्तों कि बाहर जाने के लिए पता नहीं कहाँ रोड गधेरों में जाना पड़ता था, बाघ के हाथ पड़ जाते थे, भालू के हाथ, भालू गचका देता था पीछे से, ठीक है। अब देखो घर घर में टॉयलेट बाथरूम हो गए, फिर भी प्लान, ये भी प्लान हो गया। अब बताओ लेंटर वाले मकानों से भी प्लान हो जा रहा है, ये देखो दोस्तों लैट्रिन बाथरूम शोपीस बन के रह गए हैं। गांव से इतना प्लान हो चुका है दोस्तों, घर में रहने वाला कोई नहीं है, लैट्रिन बाथरूम में हगने वाला कोई नहीं है दगड़ियों। इतना प्लान हो चुका है हमारे गांव से दगड़ियों, ये भी प्लान हो चुका है। ओ भाई साहब बैक टू बैक, एक दो तीन चार, बैक टू बैक पूरे चार के चार घर से प्लान हो चुका है। बताओ यार, और किसी टाइम पे यहाँ पे कितनी रौनक होती होगी, कितनी कॉज बहुत यहाँ पे होती होंगी, है ना। फिर आमा बुबू की फसक लगती होंगी, चारों भितेर के लड़के बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेलते होंगे, बच्चे यहाँ पलधानी खेलते होंगे, कितनी रौनक होती होगी दोस्तों एक ज़माने में। और आज देखो यहाँ पे बिल्कुल सुन शान पड़ा है, देखो दोस्तों ये देखो आप देख रहे हो। तो ये हाल है दोस्तों हमारे पहाड़ का, क्या किया जाए बताओ, ये चक्कर है। हैं किसी ज़माने में कितना झगड़ा होता होगा यहाँ से, हैं गाय मुखाए उन्होंने तेल है मारू उजाड़ हवा है, आप कहाँ से खिलाते हो उजाड़, अब कुछ नहीं है। देखो ये देखो यहाँ एक लौकी भी लगी है दोस्तों, ये लौकी किसने लगाई होगी फिर? अच्छा इन्होंने आबाद किया होगा, गुड। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे लौकी लगा रखी है और उसको थैली में इसलिए डाल रखा है शायद बंदर की नज़र से बचाने के लिए, है ना, शायद, और हाँ कीड़े ना लगे और थोड़ा धूप भी ज़्यादा ना पड़े, शायद ये रीज़न होगा। फिर I'm
बेलकोट की गडेरी और बेलकोट के अखरोट सबसे फेमस है। ये घर है ठीक है, और ये घर के सामने इतना बड़ा पटकन है दगड़ियों, एक बारात साथ में बैठ के खाना खा सकती है दोस्तों, इतनी जगह है। और सामने से इतने लंबे लंबे खेत है, मतलब बानर भी आए तो भगा सकते हो आप, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। उसके बाद भी लोग नहीं रह पा रहे पहाड़ में, तो कहीं ना कहीं शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं का जो अभाव है हमारे पहाड़ों में, उसकी वजह से पलायन हो रहा है दगड़ियों। तो दोस्तों अभी मैं हूँ पांडे जी के नौले पे, जो बाकली मैंने आपको दिखाई थी, जो मैंने कहा था यूएस में सेटल हो गए, तो उनके परिवार द्वारा ये नौले का निर्माण कराया गया दगड़ियों। आज तो वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए नौले से यहाँ के गांव वाले गर्मियों में पानी पीते हैं दगड़ियों, बहुत ठंडा पानी है, तो मैं भी टेस्ट करने जा रहा हूँ। मजा आ गया दोस्तों, बिस्लेरी झगमा रहे ले समुद्र, बहुत ही मस्त पानी, ठंडा ठंडा कूल कूल दगड़ियों, और बहुत मीठा पानी है, एक अलग ही स्वाद है इसमें, वाह। जय हो, ओम सत्यम सत्यम। तो दोस्तों यही है वो घर जहां से इस साल का 12th का टॉपर निकला है दगड़ियों, गित्तू भाई का ये घर है ठीक है। ये वाला हमारे, हाँ ये मेरे पापा के जो बड़े वाले चाचा जी हैं उनका है, हाँ ये छोटे वाले चाचा जी का है। अच्छा, तो यहाँ पे कभी ये दोनों तो बंजर पड़ गए हैं, हाँ ये थोड़ा सा आते रहते हैं कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी गित्तू भाई लोगों ने बेरीनाग में मकान बना लिया है, तो ये लोग यहाँ आते रहते हैं संजर मंगल। ये मेरे दादाजी लोगों के टाइम से बना हुआ है। अच्छा, तीन भाई थे वो लोग। ठीक 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 ठीक, तो सबसे छोटे वाले भाई का वो, हाँ बीच वालों का वो, हाँ ये मेरे दादाजी जो सबसे बड़े थे। ओके ओके, उनका ये। देखिए दोस्तों, हरा हरा पुदीना, खुशबूदार पुदीना, जिस जिसको खट्टा बनानी है पुदीने की यहाँ से तोड़ सकता है दगड़ियों, बहुत ही अच्छी खुशबू, वाह क्या बात है, देख सकते हैं सूंघ भी सकते हैं। हाँ। मतलब इसकी खुशबू सूंघ के आंख छाव जा रहा है दगड़ियों, जब हम इसकी खट्टा खाएंगे तो सोचो क्या हाल होगा। दोस्तों हमारे पहाड़ों के जानवर भी इतने ईमानदार होते हैं, अगर आप खाली धोती से भी फेंसिंग कर दोगे ना तो नुकसान नहीं करते, पहाड़ी करंट हाँ मैं मिला हूँ शायद आपसे, आपके घर पे ही मिला हूँ मैं। अच्छा, हाँ आए थे आप, आए थे हाँ, देखे देखे से लगे के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिछले सितंबर में। हाँ चलो, आज अच्छा आपका घर ये वाला हुआ है? नहीं, ये ससुराल हुआ मेरा। अच्छा, चौड़ महीना साइड हुआ ना घर। ओके ओके, तो खातिरदारी तो असल हो रही होगी। क्या बन रहा है आज मालदार? आज जमा लीजिए की बढ़ना। अच्छा, खवाओ खवाओ इनका, बढ़िया गए। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तो दोस्तों जो बेलकोट गांव है ना, वो दो धड़ों में विभाजित है, बेलकोट कारगी रुनन, हाँ अश्वाल रुनन, हाँ दशीला रुनन, हाँ मतलब हर जात के, हाँ हर कास्ट के लोग रहते हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बढ़िया तरीके से। तो बेलकोट का आकार की ना कहेगा, तो बेलकोट कहा गया उसको। हाँ ठीक हो गया, यहाँ पांडे लोग थे तभी बेलकोट, बेलकोट पांडे कहा गया। ओके ठीक है, तो दोस्तों ये रहा बेलकोट पांडे और ऊपर को हुआ बेलकोट कारकी। तो दोस्तों चलते चलते थोड़ा थक गए हैं, पानी प्यास लग चुकी है दगड़ियों, अब हम कारकी नौले से पानी पियेंगे। इससे पहले हमने पांडे नौला में पानी पिया था, अब हम कारकी नौला में पीते हैं।